जो 11th क्लास के था उसमें लाइक ग्रुप 13 और 14 को आपको कवर करना पड़ता है, लेकिन इसमें ग्रुप 15 टू 18 तक आपको कवर करना होगा और इनके कंपाउंड्स को आपको पढ़ना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज रुखसार और मैं फिर से आ गई हूँ टॉपर्स एकेडमी में एक नई वीडियो के साथ। सो आज हम बात करेंगे नीट एग्जाम के पैटर्न में जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है उसके ऊपर। सो केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे कि लाइक नीट में सिलेबस में क्या क्या लाइक पूछा जाता है, कौन से हमें सिलेबस को कवर करना होता है, 11th क्लास के चैप्टर्स क्या क्या आते हैं और 12th क्लास के चैप्टर्स क्या आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नीट सिलेबस फॉर केमिस्ट्री, सिर्फ यहाँ पे केमिस्ट्री की बात हो रही है। सो क्लास 11th का जो सिलेबस है, सिर्फ क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ क्लास 11th के। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि आपको केमिस्ट्री के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होता है। इसमें स्टोइकोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है इसमें सेकंड टॉपिक। इसमें एटमिक आपको मॉड्यूल्स पढ़ने होते हैं, क्वांटम नंबर्स पढ़ने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपको पढ़ना होता है। फिर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें लाइक आपको पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, आपको ये सब पढ़ना होता है नीट के एग्जाम के पर्पज से। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, VACPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है। फिर इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, इसमें लाइक गैस के लॉज, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आपको पढ़ना होता है। थर्मोडाइनमिक्स आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है 11th के बेस पर, इसमें आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनथैल्पी एंड थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को आपको, इसके कॉन्सेप्ट को ब्रीफली पढ़ना होता है नीट के एग्जाम के पर्पस से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको इक्विलिब्रियम, जो लाइक केमिकल के एंड इक्विलिब्रियम के लाइक आपके प्रिंसिपल को आपको पढ़ना होता है इसका। रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें आप ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन, बैलेंसिंग रिडॉक्स एंड इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो। इसके बाद हाइड्रोजन, इसमें से एक मेन चैप्टर होता है जिसमें आप प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो चैप्टर जो ज्यादा कंटेन करता है मार्क्स को, वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें एल्कली, एल्कलाइन, अर्थ मेटल्स आते हैं। फिर इसके बाद सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को पढ़ना होता है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को आपको पढ़ना होता है जो नीट के पर्पस से, जिसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड बेसिक रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। आपकी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक्स पे जो फॉलोअप है उसके उस पर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होता है। हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपके एल्केन्स, एल्केन्स, एल्काइन्स एंड देयर रिएक्शंस क्या क्या होते हैं आपका वो कवर होता है। फिर इसके बाद आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम पॉल्यूशन और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इट्स इफेक्ट को हम इसमें पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमने तो ये देखा कि लाइक क्लास 11th के सिलेबस पे लाइक कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो सिलेबस में कवर होता है एग्जाम में। अब 12th का सिलेबस जो एनसीईआरटी बेस्ड है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं केमिस्ट्री के। सो इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा सॉलिड स्टेट्स, इसमें लाइक आपको क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल्स एंड पैकिंग एफिशिएंसी, आपको इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है। सॉल्यूशंस, लाइक इसमें कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको देखनी होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें लाइक आपको रेडॉक्स रिएक्शंस, नॉन्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आपको कॉन्फिगर करना पड़ता है। फिर केमिकल काइनेटिक्स, इसमें लाइक रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करना पड़ता है इसमें।
एंड इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें आप एडसॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलोइड्स आप पढ़ते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को आप कवर करते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक की, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें लाइक इसमें ग्रुप जो 11th क्लास की था उसमें लाइक ग्रुप 13 और 14 को आपको कवर करना पड़ता है, लेकिन इसमें ग्रुप 15 टू 18 तक आपको कवर करना होगा और इनके कंपाउंड्स को आपको पढ़ना होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको लाइक ट्रांजिशन जो मेटल्स में होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होता है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में लाइक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एंड बॉन्डिंग आपको पढ़नी होती है इसमें। फिर आता है आपका नोमेनक्लेचर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एथर्स। इनकी लाइक प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस के कंपाउंड्स पे लाइक कैसा असर डालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, आपको वो पढ़ना होता है। फिर इसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लाइक इनके आपको प्रॉपर्टीज एंड इनके क्या रिएक्शन है आपको ये कवर करने होते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे लाइक कंटेनिंग नाइट्रोजन कैसे इफेक्ट करता है या कैसे उनके लाइक रिएक्शंस होते हैं आपको वो कवर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा बायो मॉलिक्यूल्स। इसमें लाइक आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिक्विड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को आपको पढ़ना होता है। पॉलीमर्स, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लाइक ड्रग्स, फूड एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। लाइक हम जो भी डेली वेयर में हम लाइक डेली रूटीन में जो भी यूज करते हैं उस पर केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और उनके रिएक्शन क्या होते हैं आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लाइफ में पढ़ना होता है। सो लाइक ये जो नीट का सिलेबस है जो केमिस्ट्री के बेस पर है, जो एनसीईआरटी पे कवर होता है 11th एंड 12th जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, इस वीडियो में आज मैंने ये बताया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। थैंक यू।